हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य 2024 के लिए देखिए जो एग्जाम डेट है वो लगभग लगभग आउट हो चुका है। मैं लगभग लगभग इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि किसी भी चीज़ में सो श्योर होने की बात जो आती है ना, उसमें इंसान से गलतियाँ हो जाती है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि लगभग लगभग तैयारी हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जेएसएससी के द्वारा जो एक नई नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है उसके अनुसार अगर आप समझ सकते हो कि ये जो एग्जाम है वो लगभग लगभग तय है कि एग्जाम जो है आपका फरवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो तैयारी में आपको लग जाना है। सॉरी, अप्लाई के लिए क्या तारीख आगे बढ़ेगी, ये बहुत ही इसका सवाल है कि एग्जाम एक्चुअली फॉर्म भरने के लिए, मैं इस बात पे सहमत हो सकता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए जो है डेट की विंडो बहुत कम रखी गई थी। लेकिन याद रखिए, ये सभी के लिए जो है, जो इक्वालिटी है, लॉ ऑफ इक्वालिटी है, या फिर आपका जो राइट ऑफ इक्वालिटी है उसे रखा गया है। आपने तय समय के अनुसार अपना फॉर्म नहीं भर पाए, इसमें आपकी गलती है। आपको वक्त दिया गया था लेकिन आप सही से भर नहीं पाए। हाँ, पेमेंट वगैरह में, सिग्नेचर वगैरह में थोड़ी बहुत इशू आई, लेकिन मैं ईमानदारी से लोगों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने खुद का जो एक्सपीरियंस करा, मेरे 24 घंटे से पहले पहले, 24 घंटे से कम में ही रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद पेमेंट के लिए जो है मुझे ऑप्शन मिल गया। 24 घंटे से कम के समय में पेमेंट मैंने करा, उससे ठीक 24 घंटे पहले सिग्नेचर और फोटो की जो है डिमांड आ गई। मैं ऐसा यहाँ पे कूल बनने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ लोगों की समस्या होगी जो कि जेन्युइन है, और जिन लोगों इसके लिए जो है, अगर जेएसएससी अगर एक दो दिन के लिए विंडो खोलता है तो सभी का भला हो जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार में ही जो लोग फोटो सिग्नेचर पेमेंट सब कुछ एक साथ कर लें, किसी को कोई समस्या नहीं। अगर ये 2 दिनों के लिए विंडो खोला जाता है तो अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि हाँ 2 दिनों के लिए विंडो खुले तो नीचे कॉमेंट करके 2 डेज लिखना। अगर आप चाहते हो कि नहीं, अब जो है ये नहीं होना चाहिए, सीधे आप लिखना एग्जाम, यानी कि सीधा एग्जाम हो। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों के साथ कितनी समस्याएं हैं। अब मैं नोटिफिकेशन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन आपको दिखेगा यहाँ पे, देख लो डेट, आप देखोगे 25/1/2024 की ये डेट है, यानी कि जस्ट राइट नाउ अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें देखिए, जो दिव्यांग जन हैं जिनके किन, देखो मैं आपको ना सीधी सरल भाषा में समझाने के लिए इस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं अच्छे से, या फिर लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो है शीघ्र ही, देखिए यहाँ से आप देख पाओगे, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी अधिसूचना पर यति शीघ्र जो है प्रभाव जो है प्रकाशित की जाएगी, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। यानी कि ये एग्जाम जो है 10 फरवरी को इन्होंने जो है सोच लिया है कि ये एग्जाम तो लेंगे ही लेंगे। याद रखिएगा, इसके लिए जो ऐसे व्यक्ति हैं जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए 29/1/2024 से लेकर 31/1/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आपको जो है जेएसएससी के ऑफिस में पहुंचाना है, पहली बात। दूसरी बात, जिनके हाथ भी नहीं है वो भी जो है दूसरे से मदद ले सकते हैं, सब्सक्राइबर उनको भी मिलेगा, यानी कि उनके लिए कोई और परीक्षा देगा। एक्चुअली वो सिर्फ आपके मैनुअल काम में, यानी कि ऑप्शन चुनने में जो है वो काम करेगा, बाकी आपका काम खुद है, आपको खुद से सॉल्व करना है। बाय द वे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। दिसंबर का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा और एक प्रस्तावना की क्लास है, और मैं आपको कल प्रॉमिस करता हूँ 4 से 5 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बेस आपको मिलेगा, पढ़ाने वाले कंटेंट पे। और एक वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ खोटा का, 7 भाई 1 बहन के अलावा जो है और कुछ पे काम चल रहा है, हो सकता है कि कुछ आपको और मिल जाए, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जल्दी ही आपको जो है वीडियोस फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो जो लोग भी खोटा वाले हैं, नीचे खोटा जरूर लिखें, ताकि मैं खोटा के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित हो जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।